अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको एक ट्राउज़र के डिज़ाइन बताने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ट्राउज़र के लिए जो नॉर्मल हम लेते हैं ये चार पीसेस का ये ले लिया है फोल्ड करके इसको, और इसकी लेंथ मैंने उतनी ली है जितना मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए। मुझे 38 and half तैयार ट्राउज़र चाहिए, तो मैंने ये तकरीबन 39 ले लिया है। कटिंग वगैरह में थोड़ा सा आधा इंच हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे नीचे एक्स्ट्रा पट्टी 2 इंच की लगानी है, तो वही एक्स्ट्रा जो है वो मेरा ऊपर से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी नॉर्मल कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ऊपर से 2 इंच लास्टिक के लिए मैं छोड़ूंगी, और मुझे यहाँ पर 15 इंच तैयार आसन चाहिए, और यहाँ से मैं तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस जगह से मुझे ये जो मेरी नीचे की साइड है पैंचे की, यहाँ से मुझे 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। और इस निशान को इस निशान से मिला देना है हल्की सी कफ की शेप में, इस तरीके से। और पैंचा हम जितना लेते हैं, जैसे मुझे तैयार इंच पैंचा चाहिए, 7 इंच चाहिए तैयार पैंचा, तो मैं इससे बढ़ा के लूँगी। मैं इससे तकरीबन 4 इंच बढ़ा के ले लूँगी, तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले लूँगी, और इसको इस निशान से मिला लूँगी। ट्राउज़र के लिए हम यूँ थोड़ी सी गुलाई की शेप देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सीधी शेप ही देनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी शलवार की शेप में आएगा। और यहाँ से आसन की जो नॉर्मल है यहाँ से गुलाई दे देनी है मुझे। अब मैं इसकी सिंपल कटिंग कर लूँगी। नीचे से मैं इसको सीधा कट कर लूंगी। इस जगह से भी मैं ये कट खोल दूंगी। अब मैंने इसका इस तरह की कोई कटिंग नहीं की थी कि ये अगला हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा, दोनों कटिंग सेम हुई है, लेकिन यहाँ पे अगला हिस्सा मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो अगले हिस्से का आसन है वो थोड़ा छोटा होता है, पिछले हिस्से का थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं ये अगला हिस्सा कर लूँगी, और इसकी तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच तक मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी इस शेप में। कटिंग से बिल्कुल भी मोड़ने में, आसन मोड़ने में या लास्टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग समझते हैं कि ये अरेब है तो शायद मोड़ने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती ये। तो अब ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है, ये अगला हिस्सा है, और क्योंकि ये छोटा है और ये पिछला हिस्सा है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। ये दोनों आसन की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, ये देखें, और अब मैं इसकी साइड की सिलाई भी लगा लेती हूँ। तो साइड की सिलाई के लिए मुझे ये बताना था कि जिस तरह ये कटिंग हुई है, इसकी कटिंग जैसे हुई है यहाँ पर हल्का सा कव आ रहा है, तो हम इसकी सिलाई भी इसी तरह लगाएंगे इस जगह से। यहाँ से सिलाई को सीधा लाकर यहाँ से हल्का सा कफ करेंगे, मोड़ेंगे, तो ही उसकी जो शेप है वो अच्छी आएगी। अगर हम सीधी सीधी सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक नहीं आएगी, उसमें खिंच पड़ेगी। तो इसको हम इसी तरह, इसको यहाँ से हल्की सी गोलाई की शेप लाएंगे, और फिर जिस शेप में कटिंग हुई है सेम इसी तरह लेते जाएंगे।
अब मैं साइडों की सिलाइयाँ भी लगा लेती हूँ और इलास्टिक भी मैं अटैच कर लूँगी। मैंने ये ट्राउज़र ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। इलास्टिक भी है, देखिए मैंने इसके अंदर डाल ली है। और ये मेरा पाइची वाली साइड है, तो ये अब जो है वो ट्राउज़र की लंबाई 37 इंचेस आ रही है, तो मुझे 38.5 या 39 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये पट्टी लगाऊंगी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी। ये देखिए मैंने इस तरह कपड़ा लेके और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह ये तैयार कर ली है, तो ये इस तरह लगेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये इसकी डिज़ाइनिंग है ये करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जो सेंटर लाइन मुझे नज़र आ रही है, यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरफ, और 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी मैं इस तरफ, बल्कि 2-2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से उठाकर बिल्कुल सेंटर में मैं इसकी ऐसे प्लेट दे दूंगी। यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। और इसी तरह सेम इस तरफ से भी मैं यहाँ करके यहाँ पिन लगा दूंगी। अब इस निशान से मैं दोबारा 2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी इधर और इधर से इधर, और यहाँ दोबारा एक एक प्लेट मैं दे दूंगी। ये जो प्लेट मेरी नीचे से निशान नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ तक आनी चाहिए, अब ये प्लेट यहाँ तक, तो इस प्लेट को मैं दोबारा यहाँ एक छोटी सी प्लेट इस तरह दे दूंगी। और इसका भी जो नीचे वाला कपड़ा है वो यहाँ तक आ रहा है, तो इसकी भी प्लेट मैं यहाँ तक दे दूँगी, इस निशान तक। ये प्लेट पहली प्लेट से थोड़ी सी छोटी है। अब मेरे पास ये तकरीबन 16 इंच आ रहा है, 16 इंच आ रहा है, तो मुझे 14 इंच रखना है, तो दोनों तरफ से तकरीबन 1-1 इंच सिलाई में सिलाई के बाद छुप जाएगा, तो ये मैं इतना रखूँगी। तो यहाँ से अब मैं इसकी प्लेट डालने के लिए इसकी सिलाई लगा लूँगी और दोनों पाँचों को मैं सेम तरीके से तैयार करूँगी। यहाँ पर ये 2 इंच के फासले से मैंने दोनों प्लेटें डाल ली हैं और उनके कोई पिन लगा ली है। अब मैं यहाँ से दोबारा 2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से भी 2 इंच के फासले पर, और फिर इस प्लेट को मैं दोबारा डालूंगी यहाँ इसके नज़दीक लाकर इस तरह। ये वाली प्लेट भी मैं यहाँ ले आऊंगी इतने ही फासले पर, और यहाँ मैं पिन लगा लूंगी। अब यहाँ पर मुझे 7 इंच पाँचा चाहिए तैयार, तो यहाँ पे मेरे पास 15 इंच है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा है, वो मेरा सिलाई में आ जाएगा, तो मेरे पास 7 इंच पाँचा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ये पिंस मैंने लगा ली हैं, अब मैं इसके ऊपर ये पट्टी लगाऊंगी जो मैंने तैयार की थी। इस पट्टी की मदद से मैं इसे अटैच कर दूँगी।
पहले मैं इसके पर सादी सिलाई लगा लूँगी ताकि ये प्लेटें ठीक तरीके से बैठ जाएं। ये देखिए इस तरह प्लेट्स तैयार हो गई हैं। आप इसके ऊपर ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हैं, एक एक और भी प्लेट्स डाल सकते हैं यहाँ पर, तो जिससे और ज़्यादा घनी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा मैं इतनी डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर इस कपड़े को रखूँगी, आधा इंच तकरीबन मैं अंदर करूँगी और फिर सिलाई लगा लूँगी। आधा इंच में अंदर करती जाऊंगी और इस तरह सिलाई लगाती जाऊंगी। अगर आप इसके अंदर फ्यूजिंग लगाना चाहें या बुकरम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये मेरी लग चुकी है पट्टी, पांचा मेरा तैयार हो चुका है। अब मेरे पास ये एक लेस है, ये बारीक सी, तो ये मैं इसके ये जो जोड़ है इसके ऊपर रखकर इसको स्टिच कर लूँगी बिल्कुल सेंटर में। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें मेरी लेस भी लग चुकी है और ये इसकी प्लेट्स इस तरह आएंगी, तो ये तैयार होकर इसकी लुक कुछ इस तरह आएगी। और अब इसकी लेंथ भी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। जितना मुझे पांचा चाहिए उतना ले लूँगी। तो ये 7 इंच मुझे पांचा चाहिए, तो मैं 7 इंच से इसकी सिलाई लगा लूँगी, नॉर्मल जैसे हम सेंटर सिलाई लगाते हैं ट्राउज़र की या शलवार की। ये देखें ये मेरा ट्राउज़र तैयार हो चुका है, इसे मैंने प्रेस की मदद से बिठा लिया है और यहाँ पे इस तरह ये प्लेट्स आए हैं और ये प्लेट्स इसी तरह आएंगे पर ऊपर तक। और अगर आप चाहें तो ये प्लेट आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और ज़्यादा इसे चौड़ा रखकर और ज़्यादा घने प्लेट भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये जो पांचा सा बना है पीछे जो पट्टी लगाई थी इसके ऊपर आप फ्यूजिंग, इसके अंदर फ्यूजिंग या बुकरम जो पांचे का बुकरम होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे ही सादी पट्टी लगाई है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।